लैंडमार्क बन जाएगा। तो अच्छी भीड़ बनी है। बस पीछे से ही जा रहे हैं, पूरा निशान है इसमें। हमको जो डल की साइड का क्रिएटिव न्यू साइकिल ट्रैक एज वेल एज बोर्ड वॉक, ये पूरा हमें डल का लेकर 6 किलोमीटर। रिजू पास पा अस पति सर नहीं आ रहा। इसमें सर जो स्प्रे करने के लिए पानी का छिड़काव करने के लिए इसमें सर, ये हमारी बहुत बेहद खुशकिस्मती है कि आप श्रीनगर शहर के मेयर श्री जुनैद मिट्टू साहब अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब ने आपको संक्षेप में कुछ बातें बताई। 74 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया गया है। कुछ सार्वजनिक स्थल हैं जिनके पुनर्निर्माण का काम होगा और जो लेगेसी श्रीनगर शहर की रही है वो बची रहे, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और ये लेगेसी आपको वापस की जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। जैसा आपने देखा, निसाद रोड पर साइकिलिंग ट्रैक, पैदल चलने वालों के लिए विशेष रास्ते, दल जो स्वयं में खूबसूरत है इसकी खूबसूरती को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इन कामों से निश्चित रूप से आपको भी आनंद आएगा आने वाले समय में और देश भर के लोग जो आते हैं उन्हें भी एक अच्छी फीलिंग आएगी। जो ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ की उनका अनुभव लोग ठीक से ले सके इसका प्रयत्न किया जा रहा है। निषाद बाग इलाके में वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस, पैदल चलने वालों के लिए विशेष रास्ते का निर्माण, प्लाजा वुडन डेक, स्थानीय मैंने लोकल और विजिटर्स के लिए सुरक्षित और चलने योग्य स्वस्थ पब्लिक स्पेस का निर्माण किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में हजरत बल से निषाद के अंतिम छोर तक की दूरी साइकिलिंग के हॉटस्पॉट के रूप में विकसित हुई। इस विशेष आकर्षण को ध्यान में रखते हुए इस पर मॉडर्न साइकिलिंग ट्रैक तथा पैदल चलने वालों के सुरक्षित रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। श्रीनगर शहर में फेवरेट जो डेस्टिनेशन है इनकी कमी नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ऐसे अनेकों सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है और इसमें अनेक काम हुए। इसी कड़ी में शालीमार कैनाल रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिलान्यास किया गया है। केवल पब्लिक स्पेस नहीं बढ़ेगी बल्कि मुझे लगता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए भी लोग अब शालीमार को देख सकेंगे, आ जा सकेंगे। कोरोना एक बड़ी त्रासदी थी और मैं समझता हूँ कि पूरी मानवता पर एक संकट था, पूरे जीवन को छिन्न भिन्न किया इसने और हम सबको एक सबक भी दिया कि ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम शहर के प्रदूषण को कैसे कम करें। मुझे लगता है कि लोग आपदा में अवसर की बात करते हैं और मैं समझता हूं कि ऐसी आपदा थी जिसने हमें अर्बन एनवायरनमेंट में बेहतर जीवन के लिए अनेक परिवर्तन करने के
रास्ते दिखाए हैं और प्रेरित किया है। स्मार्ट सिटी चाहे वो श्रीनगर हो या जम्मू हो, स्मार्ट मोबिलिटी के विकल्प पर भी काम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरज गुप्ता जी इसे भी जल्द हकीकत में बदलेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है, नागरिकों का भी इसमें सहयोग मिल रहा है और सहयोग अपेक्षित है। दूर की यात्रा भी मैं देख रहा हूँ कि अब कार के बजाय साइकिल से लोग चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये विश्व के सभी शहरों में हो रहा है। अब विश्व के सभी शहरों में हो रहा है तो मुझे लगता है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के शहरों में भी ये पद्धति हम दोहराएं या आवश्यक हो गया है। रातों रात साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण हो जाएगा ये नहीं संभव है, लेकिन कई देश के कई शहरों में हमने देखा, जब कोरोना की वेव थी तो रातों रात लोगों ने मिल करके बना दिया। श्रीनगर भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अर्बन मोबिलिटी के क्षेत्र में ग्रीन पॉलिसी से हम कैसे श्रीनगर को वास्तविक रूप में स्मार्ट शहर बना सकते हैं, इस पर प्रशासन काम कर रहा है। मैं श्रीनगर के सभी सम्मानित नागरिकों से भी अनुरोध करूँगा कि इसमें आप सहयोग करिए। कार की जगह अधिक से अधिक साइकिल अगर हम चला सकते हैं, मुझे लगता है कि एक नई क्रांति शहर में हम ला सकते हैं, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य श्रीनगर का और पूरे जम्मू कश्मीर का हो, इसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इस सकारात्मक बदलाव में स्मार्ट सिटी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं स्मार्ट सिटी से जुड़े सभी मेयर साहब, हमारे अफसरान, सबको हृदय से बधाई देता हूँ, प्रमुख सचिव को भी बधाई देता हूँ। एक चूँकि नागरिक है, एक निवेदन मुझे और करना है। आप सब देख रहे हैं कि देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, बाहर के भी लोग आ रहे हैं, एक कोशिश, और इसके कारण मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। लेकिन चंद लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कैसे इस इकॉनमी को खतरे में डाला जाए, और मुझे लगता है कि प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करेंगे। आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, और ये कभी जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि जब दिया बुझता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है, इन लोगों का भी लौ बुझने वाला है। और इसलिए जब मैं कल एक जगह बात कह रहा था तो मैंने कहा कि प्रदूषण कई प्रकार के, कुछ नागरिकों के द्वारा जल के पानी में प्रदूषण किया जा रहा है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, अब स्वयं नागरिक भी आ गया है, और कुछ मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के वातावरण में निर्दोष लोगों के खून से भी प्रदूषण फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों की निंदा करना ये हर जिम्मेदार शहरी का प्राथमिक दायित्व है, और ये कभी आपका भला नहीं कर सकते हैं। ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, विकास के बढ़ते हुए कदम, ये इन्हें रास नहीं आ रहे हैं। ये फिर जम्मू कश्मीर को उसी हालात में ले जाना चाहते हैं जब रोज़ दुकानें बंद रहती थीं, जब रोज़ हड़ताल होती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये अवसर है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक भी इस बात पर एक स्टैंड लें। मुझे लगता है कि ये दिया लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, ये अंतिम लौ जो तेज प्रकाश कर रही है, इसे जल्दी ही हम बुझाने में कामयाब होंगे अगर आप लोगों ने सहयोग किया। अहम भूमिका अदा करेंगे सर। एक जो साइकिलिंग की और पेडेस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ही बड़ी डिमांड और ज़रूरत है हमारे शहर में, ये सारे प्रोजेक्ट्स दे विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग इन पेडेस्ट्रियलाइजिंग आर सिटी एंड इन एंश्योरिंग दैट इट्स फ्रेंडली फॉर साइकिलिस्ट्स, इट्स फ्रेंडली फॉर द टूरिस्ट हु कम टू आर सिटी। सर, आई विल रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ टू काइंडली एड्रेस द गैदरिंग फॉर फ्यू मिनट्स सर।